ये वाकईतन मुश्किल वाली ही बात है। और अभी भी आपने साबरी साहब से कह रहे थे कि ख़वाली ये इतना मुश्किल है जिस पे करम हो जाता है सरकारों का, तो ये भक्ति और शक्तियों से भरा हुआ, करम और भरम से भरा हुआ ये कलाम है। वैसे तो लिखने वालों ने ये नाम पर, मदीने के शहर, मोहम्मद के शहर के नाम पर बहुत सारों ने लिखा है, लेकिन एक बार फिर हम अपने कलम को जुम्बिश देते हुए कागज़ की अंगड़ाइयों के साथ, शही और कलम के साथ इस कलाम को लिखा है। अल्लाह याद बहुत आता है मदीने के शहर में, अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता है मदीने के शहर में। तो ये मदीना शहर एक ऐसा है भक्ति के लिए, अकीदतमंदों के लिए। तो आप सरकार हैं, अल्लाह के नबी हैं, और उनके ऊपर कलाम लिखना बस की बात नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये अल्लाह के महबूब का करम था जो आज हम सब एक जगह पर जमा हैं। और इतनी बड़ी हस्ती, आज इनका मुकाम आला और अफजल है। और हम चाह रहे थे, जब लिख रहे थे तो हमारा ये तसव्वुर था कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन इसको गाएगा कौन। अब जब लिख रहे थे तो तसव्वुर में हमारे साहब थे एस पी सैन साहब, जो हमारे संगीतकार हैं, हमारे बहुत सारे कलामों को, ये हमारा पहला कलाम नहीं है, बहुत सारे कलामों को आपने संगीत दिया और इनके साथ में रहने वाले गुलकारों ने हमारा साथ दिया। और आज ये हमारा नसीब है सरकार दो आलम का कि हमने लिखा और हमारा इनाम जो है हमारे सामने है। हमारा इनाम जो है, हमारा जो लिखा हुआ इनाम, देखिए जनाब ने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है कि मैं फिर दोबारा से अल्फाज ये यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत मशहूर कलाम आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत सुना है, मोहम्मद के शहर में, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, तो और आज ये सुना कलाम और मदीने के शहर में जावेद साहब भी मेरे साथ हैं। जावेद साहब बहुत बड़ी, जावेद अनवर साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं और बुज़ुर्ग हैं और इंडस्ट्री के एक सतूत हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा गाना जिनका मैं फ़ैन हूँ वो लिखा है, वैसे तो बहुत इंडस्ट्री के गाने लिखे हैं मगर मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। बस उस ज़माने में लिखाया गया, मैं लिख दिया। मेरी पहली पिक्चर थी निशान हरी भाई, यानी संजीव कुमार जी की, उसमें मैंने लिखा था धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, ये गीत था मेरा। और मन्ना डे जी ने भी मेरा एक गीत गाया था जो अपनी, मेरी अपनी हकीकत है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जावेद साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने काम बहुत अच्छा किया है। मैं आप मेरे साथ इधर आए कि शबाब में एक फ़ोटो, जब मुझे पता चला आप मेरे बुजुर्ग हैं बड़े अहमद, जब मैं आपका गाना सुना है मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम मैंने रखा। क्या गाना रवि साहब ने गाया है, और उषा खाना जी ने जो म्यूजिक कंपोज किया है, और क्या लिखा जावेद साहब ने, जोरदार तालियां मेरे। मैं तो जब से बताया गया मैं तो जावेद साहब फैन हो गया आपका, अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तो ये दूसरा कलाम जो सर का है मदीने के शहर, तो एक अपने वालिद मोहतरम का मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, उस्ताद इकबाल साबरी का, बहुत कुछ सुनने को मिला आज, बहुत अच्छा लिखा है, मगर एक बहुत बड़ा कलाम था कि काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। चार मिसरे मैं अपने वालिद मोहतरम के आईना ए सिफात मोहम्मद का शहर है, बज़्मे तजल्लियात मोहम्मद का शहर है। आप महदूद कर देते हैं कि काबा झुका है मोहम्मद के शहर में, बस वहीं तक इर्द गिर्द है। आईना ए सिफात मोहम्मद का शहर है, बज़्मे तजल्लियात मोहम्मद का शहर है, महदूद सिर्फ शहर मदीना तलक नहीं, महदूद सिर्फ शहर मदीना तलक नहीं, ये सारी कायनात मोहम्मद का शहर है। बहुत अच्छा। एस पी सिंह जी,
हाँ कुछ बताना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे कव्वाली के बारे में? अभी कव्वाली और नेक्स्ट गाना हम लोग अगले महीने में करते हैं, 26 ईद का दिन में अपने एल्बम रिलीज हो जाए। ऑडियो ही रहेगा या वीडियो भी? नहीं नहीं वीडियो ऑब्वियसली वीडियो बनेंगे, हाँ साथ साथ वीडियो अपन मुंबई में करेंगे, गोवा साइड में करेंगे। आपका कंपोज हुआ एक गाना अभी दूसरी हिट हुआ है, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएंगे? हाँ, ऐ मेरी चाहत बहुत ही हिट होने जा रहे, टीसी वाले ने रिलीज़ किए हैं, जिसमें सिंगर प्रिया सेन ने गाए हैं और सुरजीत नंदी। प्रिया सेन जी कुछ बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? जो अपने गाए हैं वो गाइए। ऐ मेरी चाहत बहुत लाइक किया है सब लोगों ने, टीसी से निकला हुआ है गाना, एसपी सेन साहब ने म्यूजिक दिया है और डुएट गाना है, मैं और सुरजीत नंदी सिंगर हम दोनों ने गाए हैं। तो गाना गाते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने धुन बहुत अच्छा बनाया इसके लिए। स्टूडियो की मालिक है? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनको भी तो होना चाहिए ना, कुछ तारीफ तो करना चाहिए क्योंकि इन्होंने अच्छा धुन बनाया तभी मुझे गाने को अच्छा लगा। मेरा एक सवाल और है, हाँ बोले। दूसरा राजीव हमारे मित्र हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी हम मीडिया की तरफ से तो आज कुछ कहना। इन्होंने तो इतने अच्छे गाना गाए, मैं उनकी तारीफ और क्या करूँ, जितने करूँ उतने कम है। हाँ इसलिए तो मैं भग भग के आई इनको देखने के लिए, इनके साथ फोटो खींचने के लिए। अरे नहीं नहीं, सच 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 बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कंपोज भी एसपी सेन साहब ने बहुत अच्छा किया। हमें शुरू किए हैं, ये भी शायद पहला तारीख को रिलीज हो जाएंगे, ये भी टीसी से रिलीज होने वाला है। गाने का बोला बड़ा, थोड़ी देर पहले मैंने गाए थे वो मेलोडी गाना, और गाना आप ही को ही गाना पड़ेगा, गाना ही है, डुएट गाना है, प्रिया और सबरी गाएंगे, तो मुखरा में गा के सुना देता हूँ, गाना ही है। ओ यारा मौसम बड़ा प्यारा, आ जाओ मेरी बाहों में, ओ यारा मौसम बड़ा प्यारा, आ जाओ मेरी बाहों में, जिंदगी वीरान है अधखले मुस्कान है, आओ अब्र बन के बरस जाओ। ठीक ठाक गा रहा हूँ? अरे क्या बता जिंदगी की राहों में ओ यारा, क्या बात है। सर ईद का मौका है तो कुछ कहना चाहिए? अरे भाई ईद का सब लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, उसके साथ साथ ईद की। तुझे देखा तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, तुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, एक पल में हजारा हज हो गए कि जदो तेरी दीद हो गई। सर जी एक बार फिर से हमें अपने चैनल के लिए भी लेना है। हाँ, तुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, तुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, एक पल में हजारा हज हो गए कि जदो तेरी दीद हो गई। सर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि वालिद साहब का अशआर सुनाए, अब आपके वालिद साहब का जब जिक्र आता है, और इससे पहले जो मोहम्मद के शहर में जो कलाम आया है आप लोगों के सामने, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में वो मशहूर हुआ है वो कलाम, और आपके वालिद का जब भी जिक्र आता है तो रूह के रोंगटे खड़े जाते हैं। आज हम फख्र महसूस करते हैं कि वालिद और फर्जंद अंजुमन सुन रहे साहब, तो वालिद और फर्जोदे अंजुमन तो मैं कह रहा हूँ, तो आप अब अभी आप पूछ रहे थे कि ये कलाम, ये जो भी गीत है किस पे गाया, ये मदीने के शहर में जो कलाम गाया, मैं उसमें का एक अंतरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपनी आवाज़ में। जी जी इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। वहाँ पर हम मौजूद थे, एक सेकंड साहब थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब, एक सेकंड, वहाँ पर हम मौजूद थे मदीना शहर में, जो मदीना शहर है वहाँ पर मौजूद थे, और सरकार का गुम्बद जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब वहाँ का एक आलम हमने नज़रों से उठा लिया है तस्वीर की शक्ल में, तो हम अल्फाजी शक्ल में आपको ये बताना चाह रहे हैं। मस्जिद नबीवी का आलम, मस्जिद नबीवी का आलम, आलम तो देखिएगा, मस्जिद नबीवी में है रोज़ा रसूल का, मस्जिद नबीवी में है रोज़ा रसूल का, मस्जिद नबी में है रोज़ा रसूल का, रहमत बरस रही है नूरे खुदा पे नूर की,
محفل سجی ہوئی ہے فرشتوں سے درود کی. شر توجہ چاہتا ہوں سب کے لیے پیغام ہے. شر و شرارت, شر و شرارت, گستاخیاں, بے ادبی گوارا نہیں ہے محمد کے شہر میں. اللہ اکبر. آپ سب کے لیے رمضان کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں خود آپ لوگوں کی دعا چاہتا ہوں, چینل والوں کی, اور خاص کر جو آج ہم فخر سے محسوس کر رہے ہیں, ایک بار پھر کہنا چاہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے ایس پی سائن صاحب ہیں, آپ کی صاحبہ حاضر ہے, اور ہمارے شباب صابری, شباب کا مطلب سمجھتے ہیں, تو آج ہم لوگوں کے بیچ میں جو ہے اللہ اکبر اللہ تو شباب ہی شباب ہے. اللہ نور کی رحمت سے برسائے اور آنے والا کل ان کے لیے اور بلندیوں پر لے جائے. بس السلام علیکم.